आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे शायर शेर की है रियान जी ने। तो सबसे पहले रियान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रियान जी बताते हैं कि वो रविवार का दिन था और हम सभी दोस्त प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। बैटिंग पहले मेरी थी और दो चार गेंद खेलने के बाद मैंने एक जोर का शॉट मारा तो बॉल पास के ही कब्रिस्तान में जाकर गिरी। जब सभी लोगों ने देखा कि बॉल कब्रिस्तान में गिरी है तो उस बॉल को कोई लेने नहीं जा रहा था, तो मैं ही बॉल को लेने चल दिया। मैंने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि मेरा एक दोस्त बोला, अरे सुन रियान, बॉल लेने मत जा, कल ही एक औरत दफनाई गई है यहाँ। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तो क्या हुआ यार, बॉल तो लानी पड़ेगी ना। ये कहते हुए मैं तुरंत ही कब्रिस्तान में चला गया। अंदर जाते ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने बॉल देखने के लिए आसपास निगाहें घुमाई तो बॉल कहीं भी नहीं दिख रही थी। लिहाजन मैं थोड़ा और भीतर गया और बॉल ढूंढने लगा। तभी मेरी नजर एक कब्र पर गई तो बॉल उस कब्र के एक छोटे से गड्ढे में पड़ी हुई थी। मैंने बिना देरी किए उस बॉल को उठाया। मैं बॉल को उठा ही रहा था कि मेरा दोस्त जो कब्रिस्तान के गेट पर ही खड़ा था वो चिल्लाता हुआ बोला, अबे ये क्या कर दिया तूने, उसके मुंह पर पांव रख दिया। मैं झट से वहां से हटा और भागता हुआ बाहर आ गया। बाहर आते ही मेरे दोस्तों ने कहा, यार ये तूने सही नहीं किया, कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। उन सभी की बातों को सुनकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा और हल्का डर भी। तभी मैंने सभी से कहा, छोड़ो ना यार, चलो खेलते हैं। अब हमें खेलते हुए शाम हो चुकी थी और सभी लोग घर जाने लगे थे, पर वहां से निकलने से पहले मेरा ध्यान अचानक ही उस कब्रिस्तान की ओर गया। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और घर की ओर चल दिया। जब मैं आगे तालाब के पास पहुंचा तो मेरे साइकिल की चैन अचानक ही उतर गई और चैन चढ़ाने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही हवा का झोंका उठा और मुझसे बहुत जोर से टकराया, जिस वजह से मेरी साइकिल दूर जाकर गिरी और मुझे काफी चोट आई। मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे किसी ने उठाकर पटका हो। मेरे गिरते ही मेरे दोस्त एकदम से रुक गए और मुझे उठाने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया, तो मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, यार हमें तो कोई हवा का झोंका ही नहीं दिखा यहाँ पर। अब तो ये पक्का था कि जरूर कोई गड़बड़ है और मैं कराहते हुए धीरे से उठा और मेरा एक दोस्त मुझे घर ले गया। घर पहुंचते ही मेरी बिगड़ती हालत को देखकर घर वाले भी परेशान हो गए। तभी मैंने सारी बात उन्हें बताई तो वो मुझे वहीं एक मौलवी के पास ले गए। उन्होंने बताया कि ये वही औरत की आत्मा है जो दो दिन पहले ही कब्रिस्तान में दफनाई गई थी, पर मेरी गलती की वजह से वो चिढ़ गई और मुझ पर हावी हो गई। खैर मौलवी साहब ने मुझे उस आत्मा से बचा लिया और कब्रिस्तान में दोबारा ना जाने को कहा। फिर हम वहीं से अपने घर लौट आए और मेरी तबीयत भी अब कुछ अच्छी लगने लगी थी और तब से अब तक सब ठीक ही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।